नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गत 27 जनवरी को रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के मोरहाबाद इलाके में हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। इनके पास से पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। मोरहाबादी में शूटर ज्ञान रंजन, संदीप उरगाशु मौजूद थे। वहीं वारदात के वक्त बाइक पर सोनू कुरैशी बैठा था। गिरफ्तार रवेश अपराधियों को रहने की जगह सहित अन्य सामान मुहैया कराने का काम कर रहा था। इस पूरे मामले में बिट्टू खान रेकी करने के साथ साथ जिस जमीन को लेकर दोनों गिरोहों में तकरार हो रही थी, उस जमीन की डील में बिट्टू खान का अहम रोल था। इस गैंगवार में पकड़े गए सभी आरोपियों के ताल्लुकात लवकुश शर्मा से है और कालू को रास्ते से हटाने के लिए और इस शूटआउट की वारदात को अंजाम देने के लिए 1.5 लाख रुपए के साथ साथ सभी को रांची में जमीन देने का भी लालच दिया गया था। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि मामले के उद्भेदन को लेकर 4 टीमें बनाई गई जिसका नेतृत्व रांची सिटी एसपी के जिम्मे है। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को धर दबोचा है, जबकि अब भी इस मामले में साजिशकर्ता फरार है जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। रांची एसएसपी ने कहा कि अपराधी रांची में वारदात को अंजाम देने की भूल ना करें, पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ लेगी। वहीं इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस झारखंड के साथ बिहार में भी जाकर छापेमारी की। हजारीबाग, गया सहित अन्य थाना क्षेत्रों में रांची पुलिस की टीम गई हुई थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।